नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेन के साथ पावर अर्थात इंजन को जोड़ते समय इंजन की स्पीड कितनी निर्धारित की जाती है और उस समय रेलवे के गार्ड के द्वारा ड्राइवर को क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं और वह दिशा निर्देश गार्ड किन संकेतों के माध्यम से देता है, यह सब आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अभी तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। इंजन को ट्रेन के साथ जोड़ने के लिए गार्ड दो रंग की झंडी अपने हाथ में रखता है, एक लाल और दूसरी हरी, जिससे वह ड्राइवर को संकेत देता है कि उसे गाड़ी कितनी स्पीड पर लेकर आनी है। ड्राइवर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी कम गति से इस इंजन को ट्रेन की तरफ बढ़ाता है। गार्ड लाल और हरी दोनों झंडी को एक साथ स्पीड से हिलाकर ड्राइवर को उसी स्पीड पर आगे बढ़ने का संकेत देता है। दोनों झंडियों को हिलाने की गति धीमी करते हुए गार्ड ड्राइवर को इंजन की स्पीड कम करने का संकेत देता है और जहाँ गार्ड झंडियों को हिलाना बंद कर देता है उसी गति से जिस गति से वह इंजन आगे बढ़ रहा होता है वह आगे बढ़ता रहता है। खड़ी गाड़ी से इंजन के टकराने से ऑटोमेटिक लॉक लग जाता है। और इसी के साथ गार्ड ब्रेक को जोड़ देता है। कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।